इंद्रगढ़ के मुख्य मुक्ति धाम के दिन बदलने वाले हैं। पिछले अनेक वर्षों से बदहाल और गंदगी से पड़ा मुक्ति धाम में जगह बैठने की तक व्यवस्था नहीं थी। अंतिम संस्कार करने की स्थिति इतनी खराब थी कि यदि नगर में कोई दूसरी मौत हो जाए तो शव का दाह संस्कार करने में परेशानी होती थी। वर्षा काल में ये परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। मुक्ति धाम में एक शेड बना हुआ था, वो भी जीर्ण शीर्ण। पूरे मुक्ति धाम में आवारा पशुओं को विचरण करते देखा जा सकता था। साथ ही तमाम असामाजिक तत्वों ने नशा केंद्र के रूप में मुक्ति धाम में अपना अड्डा बनाकर रखा था, लेकिन अब इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिलने वाली है। नगर परिषद इंद्रगढ़ ने मुक्तिधाम को सुंदर और सुविधाजनक बनाने के लिए लगभग 28 लाख रुपए का एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें मुक्तिधाम का सौंदर्यकरण किया जा रहा है। पूरे परिसर की बाउंड्री करवाई जा रही है, जिससे आवारा जानवर यहां पर नहीं आ सकेंगे। मुख्य द्वार पर एक महाराजा गेट लगाया गया है और मुक्तिधाम के दो शेड अंतिम संस्कार के लिए बनाए गए हैं। साथ ही लोगों को आने वाली परेशानियों से भी निजात मिलेगी। एक रूम चौकीदार के लिए बनाया गया है, जो दिन और रात में मुक्ति धाम में रहकर वहां की रखवाली करेगा। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी और अन्य जरूरी सामग्री मुक्ति धाम पर उपलब्ध रहेगी। वर्तमान समय मुक्ति धाम में दीवार पेंटिंग कराई जा रही है, जिससे मुक्ति धाम की सुंदरता में चार चांद लग गए हैं। जहां लोग जाने में मुंह बांध कर जाते थे, वहां लोग अब पार्क की बनाए जा रहे मुक्ति धाम को देखने जा रहे हैं। ये तो अभी शुरुआत है। मुक्ति धाम को इतना सुंदर और सुव्यवस्थित बनाया जाएगा कि लोग प्रतिदिन यहां भ्रमण करने आएंगे और अभी सुंदर फूल वाले पौधों के साथ आकर्षक पेड़ लगाने की भी तैयारी है। पूरे मुक्ति धाम परिसर में ब्लॉक बिछाए जा रहे हैं। साफ सफाई ऐसी कि देखते ही लोग कहें कि वाह, मुक्ति धाम हो तो ऐसा।